हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल शोबनीज फैशन वर्ल्ड। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अगेन एक धमाकेदार हॉल वीडियो, जिसमें मैं डिफरेंट सेलिब्रिटी रेप्लिका साड़ीज आपके साथ शेयर करूंगी। ये सभी साड़ीज ऐसा है कि अपने हेयर अंदर ढूंढा ही होगा, जस्ट न्यूली लॉन्च है, बहुत पॉपुलर है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो देन आपको पता है ना क्या करना है, मैं जिनको सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करो ना, एंड उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि आप नोटिफाई हो जाओ जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। सो सब्सक्राइब करो एंड फैमिली को ज्वाइन करो। दिस इज माय इंस्टा हैंडल। ये सभी लुक्स को और भी बेटर वेज में देखने के लिए एंड मुझे और ज़्यादा जानने के लिए आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हो। मीशो इज बेसिकली इंडिया नंबर वन रीसेलिंग ऐप, जहाँ से आप इजिली रीसेल कर सकते हो एंड बाय भी एज वेल। आई नो अभी तो मीशो के बारे में आपको पता ही होगा, बट इफ इन केस अगर आपको अभी भी मीशो के बारे में पता नहीं है एंड आपके पास मीशो ऐप नहीं है, देन डेफिनेटली आप मीशो ऐप को मेरे लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू डाउनलोड मीशो ऐप फ्रॉम माई लिंक, देन यू विल गेट 30% मैक्स 100 रुपीज ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर इफ यू आर अ न्यू यूजर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, क्योंकि मैं बंगाली हूँ सो मेरा हिंदी काफ़ी गड़बड़ साइड है, प्लीज मैनेज कर लेना। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का ओवरऑल कलेक्शन। आज के कलेक्शन में जो फर्स्ट सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, दैट इज टू डिफरेंट, एकदम डिफरेंट एंड हटके कलर में है ये। एंड ये नेहा ने पहना था तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। आप लोगों को सीक्वेंस साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने सोचा एक डिफरेंट सीक्वेंस वर्क साड़ी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी देखते हैं साड़ी। तो हम स्टार्ट करेंगे आंचल पोर्शन से। आप देखो हाउ प्रिटी ना, इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड ये कलर ऐसा है कि आप किसी भी स्किन टोन में पहन सकते हो एंड किसी भी एज के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगा। तो एक यूनिवर्सल पीस है एंड बिल्कुल चटाक वाला भी नहीं है कि आप नहीं पहन पाओगे। आई सूदिंग सा है, समर अप्रोप्रिएट कलर है। इसका जो ओवरऑल बेस मटेरियल आपको मिलेगा वो जॉर्जेट सिल्क में है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, बॉडी हगिंग है, बॉडी को जस्ट हग कर लेगा, तो इजीली आप इसे पहन सकते हो। समर के लिए बिल्कुल एक अप्रोप्रिएट चॉइस है। ऑल ओवर साड़ी में आपको सेम कलर में ही सीक्वेंस वर्क दिखेगा। आप देखो जिस कलर का साड़ी है उस कलर का ही सीक्वेंस वर्क है एंड इसमें जो ओवरऑल सीक्वेंस वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इसमें आपको फ्लावर वर्क वाला सीक्वेंस मिलेगा। आप देखो ऐसा वाला सीक्वेंस वर्क आपको ऑल ओवर आंचल में दिखेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी वर्क है, एकदम डिफरेंट एंड हटके सा है, बट ओवरऑल साड़ी में नहीं है, सिर्फ आंचल पोर्शन में है। अदर देन दैट ओवरऑल साड़ी का मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है, बट सीक्वेंस वर्क सिर्फ आपके साड़ी के बॉटम में मिलेगा। आप देखो एकदम नीचे पोर्शन में आपको ऐसा वाला सीक्वेंस वर्क दिखेगा। इसका सीक्वेंस वर्क भी काफ़ी डिफरेंट सा है, गैदरिंग वाला सीक्वेंस वर्क है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसा वाला एकदम लाइट वेट बहुत हटके एंड डिफरेंट वर्क वाला बट बहुत ज़्यादा सीक्वेंस वर्क वाला साड़ी आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन रहेगा, कंफर्टेबल है एंड बहुत प्रिटी है, शेड भी काफ़ी अच्छा रहेगा एंड बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं, इतना सा पोर्शन आपको प्लेन एंड सिंपल से रिसीव होगा, काफ़ी कम ही है। इसके साथ आपको एकदम रॉयल एंड गॉर्जियस सा एक ब्लाउज मिलेगा जो डिज़ाइनर लुकिंग है। बाहर से अगर आप दिस काइंड ऑफ ब्लाउज लेने जाओगे देन बहुत ज़्यादा प्राइस ही आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया। आप देखो हाउ प्रिटी ना, एकदम गॉर्जियस सा कलर है। ये आपको डार्क शेड में रिसीव होगा। ये ब्लाउज ऐसा है कि अगर आप एक बार बना लोगे किसी भी साड़ी के साथ इजीली पहन सकते हो, बिल्कुल यूनिवर्सल एक ब्लाउज रेडी होगा। ये आपको टफ्टा सिल्क बेस मटेरियल में मिलेगा, अच्छे क्वालिटी का है, आप पहन पाओगे एंड ऑल ओवर आपको जरी का काम मिलेगा। ये आप देख रहे हो ऑल ओवर जरी का काम है, दैट यू कैन एक्चुअली टच एंड फील। यहाँ पे आपको वी शेप नेक डिटेलिंग मिलेगा बट बहुत डीप नहीं है कि आप पहन नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत छोटा सा ही है। आपके अकॉर्डिंग आप किसी भी डिज़ाइन में इसे स्टिच करवा सकते हो। बहुत सारा कपड़ा प्रोवाइडेड है, इजीली डबल एक्सएल तक बन जाएगा एंड डिज़ाइन देख रहे हो कितना प्रिटी है ना। एंड इसके साथ आपको मिलेगा बैक के लिए ये वाला कपड़ा जो सेम मटेरियल में ही है एंड काफ़ी सारा है बट बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा रिसीव होगा। मतलब बैक प्लेन होगा, सिर्फ फ्रंट में आपको ये डिज़ाइन मिलेगा। डिज़ाइन काफ़ी हेवी एंड प्रिटी सा है, इस साड़ी के साथ तो अच्छा लगेगा ही। अदर देन दैट किसी भी साड़ी के साथ आप ईजिली इसे चला सकते हो, कम्फर्टेबल है, ईजी टू वेयर है। अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रहा है, मुझे तो लुक काफ़ी सिमिलर लगा जो कि नेहा ने पहना था, तो अगर आपको पसंद है आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। एंड
नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूँगी अगेन एक गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल साड़ी। काफ़ी दिन से मुझे इसका इंतज़ार था कि मैं कब इसे पहनूंगी एंड कब ये मुझे रिसीव होगा। मैंने बहुत ढूंढा। इसमें आपको ड्यूअल लुक एक साथ मिलेगा। सो फर्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लाउज पीस। ये बहुत प्रिटी सा है, एकदम गॉर्जियस सा ब्लाउज पीस है। ये मोनी ने पहना था, जो कि थंबनेल देख के आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। इसमें आपको मोनी का लुक मिलेगा, उसके साथ साथ कैटरीना ने भी टिप टिप बरसा पानी में कुछ ऐसे टाइप का ही साड़ी पहना था। तो दोनों ही लुक एक साथ आपको इस साड़ी में मिल जाएगा। बहुत दिन से मुझे इसका तलाश था, एट लास्ट मुझे मिला। एंड नॉट ओनली सिर्फ मिला, उसके साथ क्वालिटी भी इतना अच्छा आया एंड लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो फर्स्ट हम देखेंगे ब्लाउज पीस। आप देखो, जो कि मोनी ने पहना था, कुछ सिमिलर लुक क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश हुई है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे सक्सेसफुल दिख रहा है क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। एंड एकदम डिफरेंट एंड हटके एक ब्लाउज पीस है। बेस कलर जो है आपको वाइट में रिसीव होगा एंड ये ओवरऑल नेट फैब्रिक के ऊपर है। बहुत अच्छी क्वालिटी का नेट है, थिक फैब्रिक है, इजिली आप इसे पहन सकते हो। एंड आप देखो, इसके साथ आपको स्ट्रेट वाला सीक्वेंस वर्क मिलेगा, एकदम डिफरेंट सा है। सीक्वेंस प्लेट वर्क है बेसिकली इसमें। ऑल ओवर ब्लाउज पीस में आपको यही कपड़ा रिसीव होगा। इजिली डबल एक्सल तक आप इसे बना सकते हो। काफ़ी डिफरेंट एंड हटके एक ब्लाउज रेडी होगा। अगर आप इसे स्टिच करवाओगे ना, बहुत प्रिटी एक ब्लाउज रेडी होगा। एंड ऐसे वाला ब्लाउज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस से आता है, इजिली आप बना भी नहीं सकते हो। ऐसा डिज़ाइन काफ़ी रेयर है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल ब्लाउज पीस ही थम्स अप है। अपने आप में एकदम गॉर्जियस हटके एक पीस है। डेफिनेटली ब्लाउज पीस तो स्टिच करवाना बनता है। अभी देखते हैं साड़ी। साड़ी का कलर एग्जैक्ट सिमिलर ही लगा मुझे, थोड़ा सा पिक्चर में डार्क था, बट कैटरीना ने जो पहना था टिप टिप बरसा पानी में एंड मोनी ने जो पहना था, दोनों का ही लुक काइंड ऑफ मिक्सचअप मुझे लग रहा है। बहुत प्रिटी है। आजकल ये शेड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ऑल ओवर साड़ी आपको जॉर्जेट बेस मटेरियल में मिलेगा। मैं जो ढूंढ रही थी वो है इस छोटा छोटा वाला ये सीक्वेंस वर्क, एग्जैक्टली यही पीस जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर इज टू डाई फॉर। ये कलर अगर आप पहनोगे कितना स्मार्ट दिखोगे मुझे बोल कि कोई नीड है ही नहीं। छोटा छोटा सीक्वेंस वर्क जो है काफ़ी अच्छे से स्टिच है, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, डोंट वरी। बैक से बिल्कुल प्रॉपरली स्टिच्ड है ये। क्वालिटी भी बिल्कुल A1 है। एकदम लाइट वेट साड़ी है, बॉडी हगिंग है, इजीली आप इसे पहन सकते हो। ऑल ओवर साड़ी में ही आपको ये छोटा छोटा वाला सीक्वेंस वर्क दिखेगा। सो मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। मेरी तरफ से ये साड़ी हाईली रिकमेंडेड। अगर आप कुछ ऐसे ही साड़ी ढूंढ रहे थे, देन ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एंड इतू सा पोर्शन आपको प्लेन एंड सिंपल सा रिसीव होगा। आप देखो, बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ है, बहुत सारा पोर्शन है, अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत ही है ताकि आप साड़ी इजीली ड्रेप कर पाओ। बहुत प्रिटी सा साड़ी है। अगर आप ढूंढ रहे थे ये साड़ी, देन ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये सभी चीज़ों का कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो सेम कोड से, सेम सेलर से बाय कर सकते हो, तो आपको भी सेम प्रोडक्ट ही रिसीव होगा, जैसे कि मुझे रिसीव हुआ है। एंड नेक्स्ट जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये भी काफ़ी एक गॉर्जियस एंड प्रिटी साड़ी है। हेयर अंदर मैं ढूंढती रहती हूँ कि मुझे बनारसी साड़ी भी काफ़ी अच्छा सा मिल जाए, क्योंकि वेडिंग सीजन में काफ़ी काम भी आता है। मैं इस टाइम ढूंढ रही थी अंकिता का जो ग्रीन वाला साड़ी है, जो कुछ दिन पहले वो पहनी थी, बट वो मुझे अभी तक नहीं मिला। तो वो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला ये साड़ी। तो ब्लैक के साथ हमेशा ही मेरा एक अलग कनेक्शन रहता है, तो मैंने सोचा ये बिल्कुल बाय कर लेते हैं। एंड ये भी एक डिज़ाइनर पीस है एंड वेडिंग में काफ़ी यूज़फुल रहता है। आजकल ब्लैक बनारसी बहुत पहना जाता है एंड पसंद भी किया जाता है। सो मैंने सोचा ये इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल बनता है इंक्लूड करना। तो इसका बेस कलर ब्लैक है, बट है गोल्डन कलर में। आप देखो, इसके साथ बहुत ज़्यादा गोल्डन का मिक्सअप है, जो काफ़ी रॉयल लुकिंग दिखाता है। इस साड़ी का मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया, दैट इज़ इसका क्वालिटी। ये इतना लाइट वेट है ना, जो पहनने में बहुत मज़ा आता है। बनारसी साड़ी के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, कैरी नहीं किया जाता है, एकदम पहनने के बाद फूला फूला दिखता है, ऐसा इसके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड लाइट वेट साड़ी है। सो आजकल आप देखो, कुछ ऐसा आपको रिसीव होगा। फर्स्ट आप देख लो ये बॉर्डर, ऑल ओवर साड़ी में ही रनिंग बेस में दिस बॉर्डर
रिसीव होगा। आप देखो ऐसा वाला जो काफ़ी प्रिटी एंड डिज़ाइनर वाला है, क्योंकि अंकिता ने पहना था, लुक तो कुछ हटके होगा ही। एंड मिडिल में आप देखो, आंचल में फर्स्ट स्टार्ट होता है ये वाला पोर्शन, काफ़ी डिफरेंट वर्क में है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। एंड ऑल ओवर साड़ी में आपको कुछ दिस काइंड ऑफ जरदोसी वाला काम मिला है, छोटा छोटा वाला वर्क है, गैदरिंग वाला है, काफ़ी रिच लुकिंग दिखाता है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बनारसी साड़ीज ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा पहनते नहीं है, एक दो टाइम ही पहना जाता है, तो इतना प्राइस से लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। एक तो डिज़ाइनर साड़ी है, अंकिता ने पहना था, इतना लाइट वेट है, कम्फर्टेबल है एंड प्राइस भी कम है, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। तो अगर आपको चाहिए आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो। मेरी तरफ से ये है हाईली हाईली रिकमेंडेड। इतना सा पोर्शन आपको प्लेन एंड सिंपल सा रिसीव होगा ताकि आप इजीली से ड्रैप कर पाओ। एंड ये जो है ब्लाउज पीस है, आप देखो, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा है नहीं। इसके अंदर आपको छोटा छोटा वाला बूटियों का काम मिल रहा है जो सिमिलर ब्लैक कलर में है, सो इतना ज़्यादा विजिबल हो नहीं रहा है, बट पहनने के बाद लुक काफ़ी ज़्यादा प्रिटी आएगा। इसके साथ आपको मिलेगा ये वाला बॉर्डर, दैट इज़ टू प्रिटी। आप देखो इसमें आपको लोटस वाला बॉर्डर डिटेलिंग रिसीव होगा, ये बॉर्डर लगा के इसका लुक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे एम्प अप हो जाएगा। अगर आप ये ब्लाउज बना के रखोगे बहुत यूजफुल एक ब्लाउज रेडी होगा, किसी भी साइज के साथ इजीली आप इसे चला पाओगे। एंड ऐसा कलर में है, कॉम्बिनेशन ऐसा है कि बहुत काम आएगा, डेफिनेटली आपको बना के रखना चाहिए। साड़ी ओवरऑल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आपको चाहिए बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये हाल फिलहाल ही आलिया के वेडिंग में, आई थिंक वेडिंग में और वेडिंग के किसी भी फंक्शन में करीना ने पहना था, बहुत गॉर्जियस एंड प्रिटी लुकिंग एक साड़ी है, ट्रेंडिंग एक पीस है, सो मैंने सोचा इसे इंक्लूड करते हैं। अभी समर वेडिंग के लिए ये साड़ी काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, ऑर्गेन्जा ट्रेंड में है एंड दिस काइंड ऑफ पेस्टल शेड काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, तो हम देख लेते हैं। फर्स्ट देखेंगे ब्लाउज पीस, इसके साथ आपको रिसीव होगा एक डिज़ाइनर ब्लाउज पीस। आप देखो इसका कलर जो है ना, दैट्स टू प्रिटी, एकदम पेस्टल शेड है, लाइक ऐसा है कि पीच कलर के साथ साथ लाइट बेबी पिंक कलर का मिक्सचर आप बोल सकते हो, बहुत प्रिटी शेड है। ये आपको ऑर्गेन्जा फैब्रिक में रिसीव होगा, स्मूथ कंफर्टेबल एकदम बटरी वाला है जो आप इजीली से पहन सकते हो। इसका नेक का डिज़ाइन आप देखो, बोट नेक स्टाइल में है ये, एंड ऑल ओवर आपको मिलेगा जरी का काम, उसके साथ साथ सिक्वेंस वर्क। ये है फ्रंट पोर्शन एंड इसके साथ बैक जो आपको मिलेगा वो बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा रिसीव होगा, बट कपड़े में अपने आप में काफ़ी शाइन है जो कि ऑर्गेन्जा में नॉर्मली होता है। एंड इसके साथ आपको मिलेगा लाइलिन का कपड़ा, तो अलग से लाइलिन का खर्चा आपका बिल्कुल बचेगा। एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल है, आप इजीली से यूज़ कर सकते हो, लाइट पीच शेड में है, उसके साथ पिंक का भी मिक्सअप है जो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लगेगा, ब्लाउज बनाने के बाद काफ़ी यूजफुल रहेगा, अदर साड़ी के साथ भी ईजिली आप इसे चला पाओगे। एंड ऑलमोस्ट सभी साड़ीज में ऐसा है कि ब्लाउज पीस काफ़ी डिफरेंट सा मिल रहा है, तो आपके पास एक डिज़ाइनर साड़ी होने के साथ साथ डिज़ाइनर ब्लाउज भी रेडी हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अभी देखते हैं साड़ी। सो आप देखो आजकल ऑर्गेन्जा काफ़ी ट्रेंड में है, ये कलर है कि वेडिंग फंक्शन में एंड फंक्शंस में ऐसा होता है कि पेस्टल थीम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये साड़ी बेस्ट रहेगा। ऑल ओवर साड़ी बहुत प्लेन एंड सिंपल सा है, ऐसा नहीं कि एकदम हैवी वर्क वाला है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बॉर्डर ही हैवी है, बिकॉज ऑफ दिस बॉर्डर ये साड़ी हैवी बन जाता है। आप देखो ऑल ओवर बॉर्डर में आपको जरी का काम मिलेगा, उसके साथ साथ छोटा छोटा वाला सीक्वेंस वर्क ऑल ओवर साड़ी में रनिंग बेस में जा रहा है, जो कि बॉर्डर में रिसीव होगा सिर्फ पार में, बट मिडिल पोर्शन बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा है। बेबी पिंक के साथ पिंक का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्रिटी है एंड इसमें आपको काफ़ी सारा शाइन भी मिलेगा, काफ़ी मॉडर्स्ट सोफिस्टिकेटेड लुक है इसका, समर वेडिंग के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, दिन में पहनो रात में पहनो कभी भी पहन सकते हो, स्पेशली दिन के वेडिंग के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट एक साड़ी रहेगा। ऑल ओवर साड़ी बहुत कंफर्टेबल है, इजीली आप इसे ड्रैप कर सकते हो, ऐसा है कि अगर आप ऑर्गेन्जा में कंफर्टेबल हो देन आप इजीली पहन सकते हो, अगर आप ऑर्गेन्जा में कंफर्टेबल नहीं हो देन तो आप इसे मत बाय करना। ऑल ओवर साड़ी बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा ही है, बट काफ़ी रॉयल एंड हटके लुकिंग साड़ी है, अगर आपको चाहिए आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो। अदर वेबसाइट में काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जहाँ पे मीशो में बहुत नॉमिनल प्राइस में आपको ये मिल रहा है, मेरी तरफ
सबसे रिकमेंडेड, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। एंड लास्ट जो साड़ी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसका सीक्वेंस वर्क भी काफी डिफरेंट है। ऑब्वियसली सेलिब्रिटी रिप्लिका है एंड सीक्वेंस वर्क एंड कलर वाइज ये काफी ज्यादा डिफरेंट है। कलर इज टू डाई फॉर। इनफैक्ट ये सभी साड़ीज में जो आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आपने देखा कलर बहुत ज्यादा डिफरेंट है, एकदम हटके है, समर के लिए अप्रोप्रिएट पीसेस है। ये पीस भी आपको बहुत पसंद आएगा। फर्स्ट हम देखेंगे ब्लाउज पीस। इसके साथ बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा ब्लाउज रिसीव होगा जो कि डार्क ग्रीन कलर में है। कलर बहुत प्रिटी है, थोड़ा बहुत कंट्रास्ट क्रिएट हुआ है क्योंकि साड़ी लाइट ग्रीन कलर में है एंड ये आपको सिल्क टच में मिलेगा। क्वालिटी अच्छा है, इजीली डबल एक्सएल तक बन जाएगा। तो अगर आपको प्लेन ग्रीन कलर का ब्लाउज चाहिए देन आप इसे स्टिच करवा सकते हो इन अ डिफरेंट वे। तो अभी देखते हैं साड़ी। साड़ी काफी ज्यादा प्रिटी एंड गॉर्जियस लुकिंग है। कलर इज टू डाई फॉर। ये आपको लाइट ग्रीन शेड में मिलेगा, काफी डिफरेंट शेड है, बिल्कुल समर अप्रोप्रिएट एक कलर है। एंड ऑल ओवर साड़ी आपको जॉर्जेट बेस मटेरियल में मिलेगा जो पहनने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपको बहुत मजा आएगा। लाइट वेट है, अगेन बॉडी हगिंग है, इजीली आप पहन सकते हो। ड्रेप भी इजीली हो जाता है व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ जॉर्जेट बेस साड़ीज। एंड इसका सीक्वेंस वर्क आप देखो, जस्ट लुक एट इट, हाउ प्रिटी एंड डिफरेंट इट इज। एकदम जो कि पिक्चर में था एज इट इज सिमिलर लुक ही मुझे लगा। छोटा छोटा वाला सीक्वेंस वर्क है बट डिफरेंट है, अच्छे से बैक से स्टिच्ड है तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। सो आप देख लो साड़ी में आपको कुछ ऐसा ही सीक्वेंस वर्क मिलेगा, एकदम डिफरेंट एंड हटके लुकिंग वाला है। सिर्फ आंचल पोर्शन में आपको सीक्वेंस वर्क मिलेगा, अदर देन दैट बहुत सारा पोर्शन बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा है। तो ये साड़ी आप हाफ हाफ साड़ी बोल सकते हो, जिसमें हाफ पोर्शन आपको सीक्वेंस में मिलेगा, हाफ पोर्शन बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा है, कुछ ऐसा वाला। सो आप देख लो कितना सा पोर्शन आपको प्लेन एंड सिंपल सा मिल रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है देन यहाँ तक जो है बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल सा है। तो हाफ आप मान के आप चल लो। अगर पूरा सीक्वेंस वर्क होता तो मेरी तरफ से बिल्कुल थम्स अप होता। डिजाइनर वाइज, लुक वाइज, क्वालिटी वाइज तो मुझे काफ़ी पसंद आया, बट मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसमें बहुत सारा खाली पोर्शन दिया हुआ है। पहनने के बाद, ड्रेप करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तो अगर आपको चाहिए कि हाफ आप सीक्वेंस वर्क में, मिनिमल सीक्वेंस वर्क में एक साड़ी मिले तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो इतना से भी हेल्पफुल रहा ना आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक तो बिल्कुल बनता है। एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल। अगर वीडियो पसंद आया है देन आपको पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब करो ना। एंड उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो। दिस इज माई इंस्टा हैंडल, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है देन डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। ये सभी चीज़ों का कोड जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अगर आप कुछ भी बाय करना चाहते हो तो सेम कोड से, सेम सेलर से बाय कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ब्यूटी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंट गाइज, बी कॉन्फिडेंट, प्लीज बी सेफ, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।